हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। आज जो मैं प्लांट लेकर आई हूँ वो एरिका पाम है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है, कितने बड़े पॉट्स में इसको लगाया जाता है और इसको कौन सी फर्टिलाइज़र दी जाए और इसमें ये क्या चीज़ है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। और इसको एरिका के साथ साथ किंग पाम भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूँ, ये इस वक्त कम से कम 16 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है। और इसमें सिंपल गोबर की खाद ले लें और सिंपल बालू मिट्टी ले लें। गोबर की खाद का तनासुब आप 30% रख लें और 60% आप सॉइल ले लें। ये सीड्स से भी ग्रो होता है, ये देखें जैसे ये सीड्स हो रहे हैं, इससे भी ग्रो होता है, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये पप्स देता है, इसमें बहुत सारे पप्स निकलते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मदर प्लांट है जो कि कट कर दिया, क्योंकि ये प्लांट अपनी पूरी लाइफ ले कर चुका था तो इसको हमने कट कर दिया। तो ये इसके बेबी प्लांट थे, तो जो कि माशाल्लाह से अभी भी बड़े हो गए लेकिन अभी इनमें ग्रोथ है। लेकिन कुछ टाइम बाद इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी जब ये सीड्स ये प्रोड्यूस कर देंगे, तो हमें इसको भी कट करना पड़ेगा। और फिर इस तरह से इसके साथ यहाँ पे जो बेबीज निकलने हैं आप देख रहेंगे, कुछ बेबीज़ यहाँ निकलना शुरू हो चुके हैं, तो इसके बेबीज़ नीचे से निकलना शुरू हो जाएंगे। एनवायरनमेंट इसका कैसा चाहिए? अक्सर लोगों का कहना है कि ना एरिका पाम इंडोर प्लांट है, लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये ऐसा प्लांट है। यहाँ इसके लिए धूप जो है कम से कम 1 या 2 या 3 घंटे की धूप इस पर डायरेक्ट आए। सर्दियों में तो तकरीबन इसको आउटडोर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और गर्मियों में कम से कम 1-1.5 घंटे की धूप या 2 घंटे की धूप लाजमी इस पर आए, तो ये अच्छे से ग्रोथ करता है, अच्छे से बेबी पप्स निकालता है, वरना ये ग्रोथ इसकी स्लो हो जाती है, यानी कि ग्रोथ अच्छी नहीं होती। अक्सर हमने इन्वायरमेंट में बाहर देखा होगा, अक्सर इस टाइप के दरख्त यानी इस तरह के प्लांट्स नज़र आते हैं, और ये एरिका ही होते हैं और वो फुल धूप में बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे होते हैं। तो इससे ये हुआ कि ये जो है ना इंडोर प्लांट नहीं है, टोटल इंडोर प्लांट नहीं है, ये टोटली आउटडोर प्लांट भी नहीं है, लेकिन इसको इंडोर आउटडोर दोनों इन्वायरमेंट चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा सख्त धूप में भी ये ना रहे और बहुत ज़्यादा इंडोर भी नहीं रहे, क्योंकि बाहर जो प्लांट्स इस तरह के नज़र आते हैं वो अमूमन ज़मीन में लगे होते हैं, तो ज़मीन में जो प्लांट होते हैं उनकी कुव्वत ज़्यादा होती है, वो सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, सख्त बारिश हर कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास पॉट्स में होते हैं तो इन्हें हमें इनके एनवायरनमेंट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इसको पॉट्स के साथ फुल गर्मी में रख देंगे तो ये मर जाएगा, लेकिन अगर यही ज़मीन पे लगा होगा और फुल गर्मी में होगा तो ये सरवाइव भी कर जाएगा। ये आप बीज देख रहे हैं, इसमें बीज बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बीज का साइज़ बहुत छोटा है और अभी इसके बीज ब्लैक कलर के नहीं हुए। अब देखना ये है ये कब पूरे बीज अपने पूरे बनाता है और इसके बीज का कलर क्या होता है, किस तरह का होगा, तो ये उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। और आप देख लें ये प्लांट कितना बड़ा ह्यूज हो गया। ये दरअसल मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो इसके बारे में मुझे इतना ही, जो मतलब है कि 2-3 महीने में जो मेरे पास ये रहा, इसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इधर मैंने जगहें चेंज की और जो मुझे रिज़ल्ट नज़र आ रहा है तो वो मैंने आपके साथ इसके आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। क्योंकि जब ये प्लांट मेरे पास आया था तो मैं थोड़ा बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने कम्प्लीटली इंडोर में रखा था और मुझे यही कहा जा रहा था कि ये फुल इंडोर प्लांट है, इसमें मतलब आउटडोर प्लांट नहीं है, आप इसको फुल इंडोर में रखिए। तो मैंने ऐसे इंडोर में रख दिया था जहाँ सूरज की रोशनी ना होने के बराबर आती थी, सिर्फ रोशनी होती थी लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती थी, तो ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर रहा था। मतलब ना ही इसने कोई पप्स निकाला, ना ही निकाल रहा था, ना ही कोई ग्रोथ कर रहा था, जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसका एनवायरनमेंट चेंज किया, मतलब ये कि ऐसी प्लेस पर रखा जहाँ सूरज की रोशनी 2 घंटे की डायरेक्ट इसके पे आने लगी, तो वहाँ पे ना सिर्फ इसने अच्छी से ग्रोथ पकड़ी बल्कि ये अच्छे से चलने भी लगा और अच्छे से ग्रो करने लगा और पब्स भी निकालना शुरू कर दिए इसने। तो इससे मुझे पता चला कि जब मैंने दोनों तजर्बे किए तो मुझे पता चला कि ये ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको आउटडोर रखें। तो ये देख लें, ये मेरे गैलरी में यहाँ सुबह की 2 घंटे की फुल धूप आती है और डायरेक्ट आती है, तो यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर रहा है।
और इसको जो पानी का रेशो है, मिट्टी खुश्क ना हो, पानी नमी बरकरार है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, तो ये अच्छे से ग्रो कर जाता है और बहुत ईजी टू ग्रो है। लेकिन अगर आपको इसका एनवायरनमेंट पता हो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन अगर आपको इसका एनवायरनमेंट नहीं पता होगा तो ये बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।